दोस्तों, कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जहां सड़क किनारे मेहनत करने वाले ये मजदूर अपनी कमाई का खुलासा करते हैं, जिसके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाता है। ये लोग पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा की कमाई करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच सोच छोटी होती है। कहा भी जाता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप सड़क के किनारे ठेला लगा ले। वैसे बदलते दौर के साथ अब लोग भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आजकल तो ठेले वाले भी कमाई के मामले में किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से कम नहीं है। हाल ही के दिनों में एक ऐसे ठेले वाले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नान खटाई बेचकर 50 लाख की फॉर्चूनर खरीद ली। कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जहां सड़क के किनारे मेहनत करने वाले मजदूर अपनी कमाई का खुलासा करते हैं, जिसके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाता है। ये लोग पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा इसी की कमाई करते हैं। अब हाल ही में पंजाब के एक शख्स ने वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि अमृतसर की सड़कों पर नान खटाई बेचकर वह 50 लाख की फॉर्चुनर लेने चलता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने सड़क के किनारे नान खटाई बेचता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ठीक पीछे लगी थी फॉर्चुनर खड़ी थी। एक ग्राहक ने जब उसके पास आता है और उसके पूछता है कि ये गाड़ी आपकी है, तो उसने बताया कि इसका मालिक है, मैं ही इसका मालिक हूँ। जब शख्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया, तो ठेले वाले ने उसी गाड़ी की चाबी दिखाई। इसके अलावा उसने बताया कि वो पिछले 5 सालों से नान खटाई बेच रहा है। वो कहता है कि मैं 200 रुपये किलो नान खटाई बेचता हूँ। वीडियो को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल साहिल है नाम की अकाउंट से द्वारा शेयर किया गया। क्या कैप्शन में इन बातों की जानकारी दी गई है कि वीडियो में पूरे तरीके से फेक है। लोग काम का महत्व समझने के लिए इसीलिए शूट किया गया है। खबर लिखे जानते कब तक 10 लाख बार देखा जा चुका है और लाइक भी बहुत आ चुके हैं।